हेलो एवरीवन, फाइनली यहाँ पे आपकी CUT UG की एग्जामिनेशन डेट अनाउंस हो चुकी है। CUT UG की अभी 20 अप्रैल का नोटिफिकेशन है। आप लोगों को मैं यहाँ पे पूरी चीज़ डिटेल में बता देता हूँ। यहाँ पे जैसे क्लियर मेंशन है, जो आपका हाइब्रिड मोड पर होगा, यानी आपका CBT मोड कंप्यूटर पर भी पेपर होगा और पेन पेपर मोड के भी एग्जाम होंगे, ठीक है। क्योंकि जिनके रजिस्ट्रेशन ज़्यादा आए हैं, जिसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं, उसका पेन पेपर मोड पर पेपर होगा। यहाँ पे पूरी प्रॉपर डेट शीट आई है, आपको मैं बता देता हूँ। एग्जाम यहाँ पे बेसिकली आप लोगों को यहाँ दे रखा है 15 मई से स्टार्ट होगा 24 मई तक। अब यहाँ पे कोई ये मत सोचो कि एग्जामिनेशन डेट पोस्टपोन होगी, अब ऐसा कुछ नहीं है, आपका एग्जाम ऑन टाइम होगा, ये ध्यान रखना जो यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं नीचे आया, तो पहले यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है द रिमेनिंग पेपर विल बी कंडक्टेड CBT मोड एज पर द शेड्यूल डेट एट एग्जर्ट 2। यहाँ पे मैं पहले देख लेते क्या है ये पूरी डेट शीट, वो है आपकी ये पूरी डेट शीट है। अब यहाँ पे हम लोग एक बार पढ़ लेते, तो बेसिकली यहाँ पे जो है शेड्यूल फॉर टेस्ट पेपर टू बी कंडक्टेड इन पेन पेपर मोड पे, बेसिकली यहाँ पे आपका जो है पेन पेपर मोड मतलब OMR शीट पर आपका पेपर होगा, यानी यहाँ पे एक ही शिफ्ट होगी, यहाँ पे सभी का एग्जाम एक साथ हो जाएगा। तो यहाँ पे 15 मई को इन्होंने बोला है केमिस्ट्री का एग्जाम, बायोलॉजी का एग्जाम, इंग्लिश का एग्जाम और जनरल टेस्ट का एग्जाम यहाँ पे जो है 15 मई को है। बेसिकली यहाँ पे पूरी है आपकी 15 मई तक, ठीक है। तो 15 मई तक यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है, यहाँ पे आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। 15 मई तक यहाँ पे ये चार एग्जाम होने वाले हैं, जिसमें पहली शिफ्ट का एग्जाम यहाँ पे 10 बजे से लेकर 11 बजे तक होगा, ठीक है। 60 मिनट की ड्यूरेशन, 1 घंटे का पेपर होगा, ये ध्यान रखना। और जिसमें आपका ये टेस्ट पेपर कोड बता रखा है, केमिस्ट्री का एग्जाम होगा। देन इसके बाद 12:15 बजे आपका मतलब दूसरी शिफ्ट लगेगी, जो 45 मिनट का एग्जाम होगा बायोलॉजी का, ठीक है। इसमें फिर तीसरी शिफ्ट यानी 2A के लो, वो ये है यहाँ पे 15 बजे, यानी 3 बजे आपका एग्जाम होगा, 3:45 तक ये होगा आपका इंग्लिश का एग्जाम। देन इसके बाद आपका शिफ्ट 2B जो स्टार्ट होगी वो यहाँ पे 17 बजे स्टार्ट होगी, ठीक है। तो 12:18 यानी 5 बजे से लेकर 6 बजे तक आपका एग्जाम होगा, जनरल टेस्ट का एग्जाम यहाँ पे मेंशन कर रखा है। तो यहाँ पे ये जो पेपर है आपके, ये एक ही दिन होंगे, ये ध्यान रखना, ये जो पेपर है, ठीक है, जनरल टेस्ट का एक ही साथ हो जाएगा 16 मई को। फिर यहाँ पे इस तरीके से मेंशन है, 16 मई को कौन कौन से एग्जाम है आपके, इको का है, हिंदी का है, फिजिक्स का है और मैथमेटिक्स का है। फिर देन इसके बाद आपका जो है 17 मई को यहाँ पे फिर से 17 मई को यहाँ पे चार एग्जाम है, ज्योग्राफी, फिजिकल एजुकेशन, बिजनेस और अकाउंटेंसी का एग्जाम होने वाला है। और यहाँ पे हिस्ट्री का एग्जाम की बात करूँ, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन ज़्यादा थे, तो हिस्ट्री का यहाँ पे पॉलिटिकल का एग्जाम और सोशोलॉजी का एग्जाम यहाँ पे 18 मई को होने वाला है। यहाँ पे टाइम मेंशन है, यहाँ पे जैसे 13 का मतलब क्या होता है, 12 के बाद 13 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे 13 का मतलब ये है कि आपका जो है 1 बजे एग्जाम होगा, ठीक है, 1 बजे दोपहर में, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे जैसे 15:30 मेंशन है, तो 15 का मतलब 12 से आप 3 जोड़ दो, तो 3:30 पर आपका एग्जाम होगा सेकंड शिफ्ट का, ठीक है। तो इस तरीके से आपका एग्जाम होगा। यहाँ पे इसी तरीके से 17 मेंशन है, यानी 5:30 बजे आपका सोशोलॉजी का एग्जाम होगा 18 मई के दिन। फिर यहाँ पे हम आ जाते हैं जो यहाँ पे CBT मोड पर कौन कौन से एग्जाम होंगे, ठीक है। CBT मोड का एग्जाम जो है यहाँ पे मेंशन कर रखा है, 21 मई को CBT मोड के एग्जाम होंगे, जो ये पूरी तरीके से मेंशन कर रखे शिफ्ट है। फाइन आर्ट्स का एग्जाम जो है या संस्कृत का जो एग्जाम है वो यहाँ पे होगी दूसरी शिफ्ट में 21 मई को 13:15 पर, ठीक है। 13:15 यानी 1:15 पर स्टार्ट होगा और 14:00 यानी 2:45 पर आपका पेपर एंड होगा फाइन आर्ट और संस्कृत का शिफ्ट 2 के अंदर। देन इसके बाद शिफ्ट 3 है। इसी तरीके से यहाँ पे साइकोलॉजी का जो है यहाँ पे CBT मोड पर होगा, लेकिन आप जब पॉलिटिकल की बात करते हो, हिस्ट्री की बात करते हो, तो इन सभी जो एग्जाम है वो बेसिकली यहाँ पे आपके पेन पेपर मोड OMR पर होंगे। बाकी जो यहाँ पे एग्जाम ये जो दे रखे हैं शिफ्ट आपके जो है बेसिकली किस मोड पे, CBT मोड पे हैं, रिमेनिंग पेपर जो यहाँ पे मैंने आप लोगों को दिखा रखे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे 24 मई की अगर मैं बात करूँ, तो शिफ्ट 1 के अंदर इन सभी लैंग्वेजेस के एग्जाम होने वाले हैं। फिर शिफ्ट 2 के अंदर डोगरी, पर्शियन, स्पेनिश, एनवायरमेंटल स्टडीज के एग्जाम होने वाले हैं। शिफ्ट 3 जो है यहाँ पे 16:45 यानी 4:45 पर आपका एग्जाम होगा, 6:15 पे एंड होगा यहाँ पे ये सभी पेपर है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे मेंशन कर रखा है। तो यानी इस बार जो है पेपर अलग अलग नहीं है। अगर आपको जैसे हिस्ट्री का एग्जाम आपको मैं दिखा दूँ, यहाँ पे जैसे मेंशन है हिस्ट्री का, तो आप लोगों के जो एग्जाम है वो 18 मई को कंडक्ट होगा और यहाँ पे टाइम मेंशन कर रखा है। तो बेसिकली अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं कि आपका कब एग्जाम होगा, आप लोगों का एग्जाम यहाँ पे क्लियर मेंशन है डेट शीट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो पूरी डेट शीट है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, इंग्लिश
इंग्लिश है, फिर इसके बाद जनरल टेस्ट है। तो सभी का जनरल टेस्ट का ध्यान रखो, जनरल टेस्ट ने जिन बच्चों ने चूज़ कर रखी है उनका एग्ज़ाम यहाँ पे 17 बजे यानी 5 बजे से लेके 6 बजे तक है। ड्यूरेशन 60 मिनट, 1 घंटे का पेपर रहेगा। 15 मई को आपका एग्ज़ाम होगा। तो इस तरीके से पूरी डेट शीट आई होप आपको समझ में आ गई होगी। ये नीचे वाली जो है ये CBT मोड की है, ठीक है, ये है CBT मोड की। और ये जो ऊपर की डेट शीट है ये है आपकी OMR शीट यानी पेन पेपर मोड की डेट शीट है, ठीक है। तो पेन पेपर मोड का मतलब OMR होता है। और यहाँ पे बेसिकली ये पूरी डेट शीट है और इसे आप लोग जाके CUT UG की वेबसाइट जाकर देख सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। वेबसाइट का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और बाकी ये जो PDF है क्या नाम है डेट शीट की, ये आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो बाकी अगर आप लोग की कोई क्वेरी है तो आप इंस्टा और व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो।